ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए तेलंगाना और राजस्थान में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना और राजस्थान का दौरा किया और कई हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार। विनय जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री लगातार परियोजनाओं का, जिसे हम कहें विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। आज भी उनका तूफानी दौरा रहा तेलंगाना में, राजस्थान में, लगभग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की एक जो ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की है, लगातार पिछले कई बजटों में भी हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काफी सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है। सबसे पहली शुरुआत करते हैं यहां से, इन सारी परियोजनाओं के उद्घाटन को आप पहली नजर में कैसे देखते हैं, क्या टिप्पणी करेंगे आप? बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो देश में है वो बहुत आवश्यक है। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री ने भी अपने पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया, उसमें भी कहा कि तेलंगाना में कि जब भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो इससे और भी ज्यादा अपेक्षाएं हैं। कि जब लोग बहुत उत्साहित हैं पूरे वर्ल्ड ओवर, पूरे विश्व में इतना उत्साह है भारत में निवेश करने के लिए, तो ये बहुत आवश्यक है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक अल्ट्रा मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश में होना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जोर भी दिया इसके ऊपर और ये भी कहा कि हमारी सरकार ने जो पिछले 9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किए हैं, इतने कभी किसी सरकार ने नहीं किए। 2 दिन प्रधानमंत्री दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश के और छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। इनमें से उत्तर प्रदेश को छोड़ के आप देखिए तो बाकी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ये विकास की परियोजनाएं हैं और हजारों करोड़ रुपए की है, कोई नई चीज नहीं है। ये बहुत सालों से प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी जी ये कहते आ रहे हैं कि हम इन परियोजनाओं को करेंगे ताकि देश का विकास सुनिश्चित हो। और जैसा कि आपने अभी उस बात का जिक्र भी किया कि किस तरीके से भारत अब दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वो साल भी दूर नहीं है जबकि हम शायद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। आरबीआई ने भी और जो पॉलिसी ग्रुप्स हैं जो इस तरह की स्टडीज करते रहते हैं, उनका एस्टीमेट ये है कि अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए, एक अल्ट्रा मॉडर्न बुनियादी ढांचा बनाने के लिए देश में, तो जीडीपी में उसका गेन होता है 2.5 से 3.5 रुपया। तो आप सोचिए अगर जीडीपी में वो इतना एक महत्वपूर्ण गेन मिल रहा है देश को, तो ये एक बहुत बड़ी जरूरी भी है और बात भी है। और प्रधानमंत्री ने जो, जैसे आपने कहा, 6,100 करोड़ की परियोजनाएं तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं का उद्घाटन किया या देश को उन्होंने डेडिकेट किया, और दूसरी ओर राजस्थान में 24,300 करोड़ की परियोजनाएं, दिखाता है कि जो महत्वपूर्ण स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, उसके ऊपर सरकार कितना इम्पोर्टेंस दे रही है, उसके ऊपर कितना जोर दे रही है। और दूसरी ओर जैसे आपने बात कही इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसकी महत्ता क्या है, इसकी इतनी जरूरत क्या है कि हमारे देश में बढ़िया सड़कें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, उससे एक तो आप देखिए कि जो मार्केट का साइज है वो काफी फैलता है, बहुत एक्सपेंशन होती है, क्योंकि उसमें आपको अपनी गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है उसको लाने ले जाने की जो आप बढ़िया सुविधा देते हैं लोगों को और देश को, ट्रांसपोर्टर्स को और इंडस्ट्री को, उससे एक तो मूवमेंट बहुत आसान हो जाता है और दूसरा कई सारे सेक्टर्स इससे प्रभावित होते हैं जिससे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ती है। इसमें एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केट हो गया, एनर्जी हो गया, लेबर हो गया और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो आता ही आता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जिस तरह से सरकार जोर दे रही है और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा भी तेलंगाना में कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है सरकार का। और ये भी बोला प्रधानमंत्री ने कि सरकार जो है सारे राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या बुनियादी ढांचे की सुधार के लिए, निर्माण के लिए और एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा देने के लिए सरकार अपने कमिटमेंट पर कायम है। भारत के किसी भी राज्य में जाएं, चाहे वो उत्तर पूर्व के राज्य हो, हिमाचल प्रदेश हो, पहाड़ी राज्य हैं ये सारे, उत्तर प्रदेश हो, मध्य के राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, दक्षिण के राज्य हो, कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता कि वहां विकास का काम या बुनियादी ढांचा, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। इसको लोग फील कर रहे हैं। आप देखिए, छोटी सी जो शुरुआत हुई, जो टोल
लगता था फास्ट टैग के जरिए, अब देखिए वहां से आते आते वो शहरों में भी आपके कार में फास्ट टैग लगा हुआ है, कितने समय की बचत हो रही है। आप समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास में ये बहुत जबरदस्त तरीके से सहायक हो रहा है, क्योंकि लगता है कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं और स्पेंड्स भी बढ़ रही है लोगों की। कि जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई का खुद का अपना एस्टीमेट है और जो पॉलिसी ग्रुप्स हैं उनका भी एस्टीमेट है कि अगर हम एक रुपया खर्च करते हैं तो 2.5 या 3.5 रुपए का गेन होता है जीडीपी में। तो दूसरी ओर आप देखिए, अगर आपकी सड़कें ठीक नहीं होंगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होंगे, एक्सप्रेसवेज नहीं होंगे आपके यहाँ पर, आज उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर लोग समझते थे कि उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, कि जहां पे सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे होंगे, यहां पर कोई ठीक से परिवहन की सुविधा नहीं होगी। और अगर एक, जैसे आपने कहा कि मूलभूत ढांचे में, बुनियादी ढांचे में अगर हम एक विश्व स्तरीय ढांचा ना दे पाए और आपके पास एक्सप्रेसवे नहीं है, आपकी सड़कें ठीक नहीं है, तो आप कितना ज्यादा उसके ऊपर ईंधन खर्च करेंगे, आपके जो वाहन हैं वाहनों की लाइफ कम हो जाएगी और लोगों को जो असुविधा होगी वो तो होगी। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, दिल्ली से लखनऊ आप 6 घंटे में बड़े आराम से एक्सप्रेसवे से पहुंच सकते हैं, दिल्ली से लखनऊ अगर आप जाएं, और आपको 1100-1200 रुपए का टोल भी देना पड़ेगा। 6 घंटे में ही आपको शताब्दी एक्सप्रेस भी पहुंचाती है दिल्ली से लखनऊ। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो सिर्फ आपको फास्टैग से टोल देना है और बाकी तो समय की बचत हो गई, आपकी ईंधन की बचत हो गई, और गाड़ी में 4-5 लोग बैठकर आप जा रहे हैं तो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ रहा है। एक बेसिक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह जो उदाहरण है वो लागू होता है जब आप इंडस्ट्रियल गुड्स जब ट्रांसपोर्ट होती हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में, तो उसमें समय भी बचता है, ईंधन भी बचता है, और जो हमारे परिवहन के जो साधन है उनकी लाइफ भी बड़ी बनती है। तो ये बहुत जरूरी है। आपको एक चीज और बताऊं, नितिन गडकरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन जिनका जिम्मा उनके पास है, वो अक्सर ये उदाहरण देते हैं जॉन एफ कैनेडी का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो कहते थे कि अमेरिका में इसलिए रोड अच्छी नहीं है कि अमेरिका बहुत अमीर देश है, मगर अमेरिका इसलिए अमीर देश है क्योंकि सड़कें अच्छी हैं, इसलिए नहीं है कि हम रिच हैं तो हमारे दो सड़कें अच्छी होंगी। और दूसरी बात है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा, बुनियादी ढांचा, तो बैकवर्ड रीजन्स जो हैं वो भी, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है हमारे देश में, कनेक्टिविटी की जो समस्या है वो भी दूर होती है। नहीं तो आप देखें कि जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं या दूरगामी आपने क्षेत्रों का उल्लेख किया, नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, तो वहां पर पहुंच पाना ही बड़ा मुश्किल है। अगर आप पहुंच नहीं पाएंगे, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो विकास की दर भी कम हो जाएगी, विकास की परियोजनाएं वहां तक कैसे पहुंचेंगी, चाहे वो मोबाइल टावर हो, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे हॉस्पिटल हो। जैसे प्रधानमंत्री की जो परियोजना है उसमें बीकानेर में एक अस्पताल का भी उद्घाटन है, तेलंगाना में भी प्रधानमंत्री ने कहा, उसमें भी कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा जोर रहेगा, जो 6,100 करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। तो ये पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो आर्थिक प्रगति और उन्नति हमारे देश की है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर आपके बातचीत से ये पता चल रहा है कि किस तरीके से हमारी जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है और आगे और भी होगा इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से। साथ ही जिन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री का तूफानी दौरा हुआ, अगर कल और आज को मिला लें, यानी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान, आप जिक्र कर रहे थे कि इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से इन यात्रा को और इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लॉन्च को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सामयिक, ये मतलब इस सवाल से बच नहीं सकते हर चीज। जैसे प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ने एक जो राजनीतिक पहलू है, जो संदेश देते हैं प्रधानमंत्री, तो वो भी मोदी जी ने दिया संदेश कि वो बोले कि वो जो डर जाए वो मोदी नहीं है, और धमकियों और षड्यंत्रों से डरने वाला मैं नहीं हूं। और जहां तक सवाल है, प्रधानमंत्री ने ये भी संदेश दिया कि जितने स्कैम्स होते हैं, जितने घोटाले होते हैं इन सब प्रदेशों में, उसके लिए उन्होंने वहां अपोजिशन पार्टीज को भी, कांग्रेस को बहुत लताड़ा प्रधानमंत्री ने, अपने निशाने पर लिया। और दूसरी ओर ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि लोग उनको भला बुरा कहते रहते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो उनके लिए ऐसा षड्यंत्र जो रच रहे हैं, तो बताना चाहते हैं कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। तो ये प्रधानमंत्री ने, दूसरे करप्शन के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचारी ये कान खोलकर सुन ले कि जो अगर वो भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। तो ये
जहां पर ये विजय संकल्प रैली जो थी रायपुर में, वहां 7,500 करोड़ के परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने देश को अर्पित किया, उद्घाटन भी किया विभिन्न क्षेत्रों में। तो प्रधानमंत्री का ये भी मैसेज था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को वापस जो लाना है पावर में। बीजेपी बहुत 15 साल तक वहां पावर में रही छत्तीसगढ़ में, अब कांग्रेस की सरकार है। तो प्रधानमंत्री ने ये भी मैसेज, अपना जो राजनीतिक उनका मैसेज था वो भी प्रधानमंत्री ने वहां पर दिया कि उनको भला बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री परिवारवाद के लिए तेलंगाना में, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, इसके ऊपर भी बीआरएस के ऊपर जो केसीआर की पार्टी है वहां के चीफ मिनिस्टर की, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने उसको भी क्रिटिसाइज किया। लोगों में जो मैसेज फैलाने का काम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो हैं ही, जो ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री ने किए, राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं इस साल के अंत तक, तो राजस्थान में करीब प्रधानमंत्री पिछले 9 महीने में करीब 6 विजिट कर चुके हैं राजस्थान में। और हर बड़ा नेता, चाहे नड्डा जी हो, अमित शाह हो और राजनाथ सिंह हो, सबने राजस्थान का दौरा किया है। और बीकानेर में ये प्रधानमंत्री का 7वां दौरा रहा। तो प्रधानमंत्री ये के दौरों से और जो उनकी मैसेजिंग, जैसे आपने कहा, अगर विकास की राजनीति भाजपा कर रही है तो दूसरी ओर अपोजिशन की टेबल पर क्या है, ऑफर में क्या दे रहे हैं, स्कैम, भ्रष्टाचार, डिलेड परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान न देना, परिवारवाद और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना, तो ये सब प्रधानमंत्री के इशारे पर जरूर रहते हैं। बहुत स्ट्रांग संदेश है, आप ठीक बता रहे हैं। तेलंगाना में भी उन्होंने जो कहा, देखे ये गौर करने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि तेलंगाना वैसे तो नया स्टेट है और 9 साल ही इसके बनने का हो रहा है, लेकिन तेलंगाना के लोगों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका जो देश के विकास में रोल रहा है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है, खास करके तेलुगु लोगों का। और उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया कि विकसित भारत में, और जो भारत 5वीं सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी है, इसमें तेलुगु लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, तेलंगाना के हों चाहे आंध्र प्रदेश के हों, सबसे ज्यादा आप देखिए जो डिजिटल क्षेत्र में है, क्षेत्र में जितनी क्रांति हुई है उसमें सबसे ज्यादा आपको युवा मिलेंगे इन्हीं प्रदेशों के, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के। और आप अमेरिका में भी देखिए तो तेलुगु भाषी जितने भी लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वहां अमेरिका की डोमिनेट करते हैं तेलुगु भाषी। आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जैसे कहा कि जरूर तेलंगाना एक नया प्रदेश है, मगर तेलंगाना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब पूरी दुनिया भारत में निवेश के लिए आ रही है, विकसित भारत को लेकर उत्साह है, तो तेलंगाना के सामने भी इतना ही बड़ा अवसर है। और तेलंगाना एक नए भारत और युवा ऊर्जा से भरा है। तो इस समय प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ये गोल्डन पीरियड है कि हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है हमको, तो जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि ये बहुत सही दिशा में मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कोई राजनीतिक बहस जरूर की जा सकती है, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम विकास की दर हमारी ठीक नहीं रहेगी, विकास की दर अगर हमारी नीचे आने लगेगी, क्योंकि हमारे पास बुनियादी ढांचा ही नहीं है। तो बड़ी बड़ी आजकल देख लीजिए कि जितनी बड़ी कंपनीज भारत में आ रही हैं, अभी जीई जो प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा था, वहां पे जनरल इलेक्ट्रिक हमको फाइटर तेजस MK2 के लिए हमें इंजन बनाने की फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगा हमको, बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है। बुनियादी ढांचा हो तो देश आगे बढ़ेगा, न कि देश आगे बढ़े तब बुनियादी ढांचा तैयार हो, जो अमेरिका का आपने उदाहरण दिया। तो इस तरीके से आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि बुनियादी ढांचा इस कदर हो जाएगा कि भारत जल्द ही तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। विनय कुमार जी, आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि। अभी आप सुन रहे थे तेलंगाना और राजस्थान में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।